हेलो एवरीवन, दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है फार्मिंग सिमुलेटर 22 के न्यू एपिसोड पे। तो चलिए हम लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड पे हम लोग ने जो कैनोला है उसको हार्वेस्ट किए थे, लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग फार्मिंग सिमुलेटर 22 के अंदर जो एग्स और जो वेजिटेबल है उसको सेल करेंगे। लेकिन वेजिटेबल और जो एग्स है उसको सेल करने से पहले अभी हम लोग को जाना पड़ेगा व्हीकल शॉप, और उधर से अभी हम लोग को जो मुर्गी के लिए जो खाना है वो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो खाना है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। तो अभी हम लोग अपना मुर्गी लोग को जो खाना नहीं देंगे तो ये लोग मर सकती है और हम लोग का जो एग्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से अपना जो पिकअप ट्रक है उसको लेके चलते हैं व्हीकल शॉप, और उधर से अभी हम लोग को लेके आना पड़ेगा बहुत सारा खाना, वो भी अपने मुर्गी के लिए। ओके, तो अभी हम लोग का पिकअप ट्रक तो इधर ही होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग को मिल चुका है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं व्हीकल शॉप, और उधर से अभी हम लोग को परचेस करना पड़ेगा बहुत सारा जो मुर्गी के लिए व्हीट। ओके, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग ना जो मुर्गी के लिए जो व्हीट है 5 या 6 डब्बा होता है वो हम लोग लेके जाएंगे एक ही बार में, क्योंकि हम लोग को बार बार आना पड़ता है। ओके ओके, तो अभी हम लोग फाइनली जो व्हीकल शॉप वाली जो एरिया है अभी हम लोग उधर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग को इधर से जो व्हीट है वो सब कुछ लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, तो अभी हम लोग जो प्री प्रेस करेंगे उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट बोलते हो जहाँ पर वो बिग बैग पैलेट्स बेल्स ये सब कुछ होता है। अभी हम लोग उधर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे बिग बैग पैलेट्स पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इधर से अभी हम लोग जो व्हीट है इधर से अभी हम लोग बहुत सारा लेने वाले 2, 3, 4, 5, 6 का प्राइस होता है $9,000। ओके, तो इसको फटाफट से परचेस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ने एक ही बार में जो 6 बैग ऑफ व्हीट है वो अभी हम लोग ने परचेस कर लिया है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग ने बहुत सारा परचेस कर लिया है। तो अभी हम लोग को लीज पे लेना पड़ेगा फॉर्कलिफ्ट। ओके, तो अभी हम लोग फिर से पी प्रेस करते हैं, तो अभी हम लोग को आना पड़ेगा ट्रैक्टर पे व्हीकल्स पे, जहाँ पर व्हीकल्स होता है उसका थोड़ा और नीचे आएंगे तो अभी हम लोग को इधर दिख जाएगा फॉर्कलिफ्ट। ओके, फॉर्कलिफ्ट पे क्लिक करते हैं, और जो सस्ते वाला $37,000 वाला जो फॉर्कलिफ्ट है उसको हम लोग लीज पे ले लेते हैं। चलो अभी हम लोग ने इसको जो लीज पे ले लिया है, तो अभी हम लोग का जो काम है तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तो हम लोग जो वेजिटेबल जो एक भी सेल करने जाएंगे, तो इससे अच्छा अभी हम लोग वो ले लेते ना, उसको क्या बोलते हैं, एक बड़ा वाला जो ट्रेलर होता है ना, उधर हम लोग जो बहुत सारा एग्स भी रख पाएंगे और वेजिटेबल भी रख पाएंगे। हम लोग ऐसा लेके जाएंगे तो हम लोग का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग फिर से पी प्रेस करते हैं, तो अब हम लोग इधर से लेना पड़ेगा ट्रेलर। तो गाइस, अभी हम लोग को ट्रेलर नहीं लेना है, तो अभी हम लोग को लेना है लो लोडर्स। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। तो उस टाइम मेरे को जो ये नाम वो कहने नहीं आ रहा था कि हम लोग अपना जो वेजिटेबल या जितना भी जो व्हीट है इसको हम लोग किधर पे लेके जाए बोल के। ओके, क्योंकि हम लोग तो जो रैन सिमुलेटर में जो कार ट्रेलर हम लोग को मिलता था, तो उधर से हम लोग जो बहुत सारा जो सामान है उसको लोड कर लेते थे। ओके, तो उसका वजह से हम लोग को जो ट्रेलर बोलने के लिए आ रहा था। तो अभी हम लोग को सबसे पहले लेना पड़ेगा लो लोडर्स। ओके, तो इसका अभी आप लोग देख सकते हो सब लोडर्स का अलग अलग प्राइस है, डिफरेंट प्राइस है, तो साइज ये वाला तो ठीक रहने वाला होगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। इसका जो ये साइज है ये इतना तो बढ़िया होगा। ओके, तो इतना पे हम लोग का जो वेट का चला जाएगा क्या? तो इसके लिए क्या मेरे को जो ट्रक भी लेना पड़ेगा क्या लीज पे? Okay, तो ये वाला ट्राई करते एक बार। ओके ओके, तो ये वाला लेंगे तो हम लोग का जो ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको लीज पे लेंगे, तो इसका प्राइस होने वाला है $1,249। तो चलिए इसको फटाफट से लीज पे ले लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ने जो ये लो लोडर्स है इसको लीज पे ले लिया है। ओके, तो अभी हम लोग को तो अभी हम लोग का ट्रैक्टर भी इधर ही है। ओके, तो अभी हम लोग ने जो ट्रैक्टर और जो लो लोडर्स है उसको अटैच कर लिया है। तो अभी हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अभी हम लोग फॉर्कलिफ्ट में बैठ लेते हैं। यार F क्यों प्रेस करता हूँ यार, हमेशा F से जो ये गेम के अंदर क्या बोलता है जो लाइट से वो ऑन हो जाता है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग को जो फॉर्कलिफ्ट से जो व्हीट का जो सामान है उसको उठाना पड़ेगा। चलिए इसको उठा के हम लोग रखेंगे क्या लोडर्स के ऊपर। इसको हम लोग क्या मिस वो इसको सीधा कर सकते होगे शायद। ओके,
अनफोल्ड लो लोडर्स। ओह यस, मेरे को ये तो चाहिए था। ओके तो अभी हम लोग का जो ये कि अनफोल्ड हो चुका है। ओके तो अभी हम लोग जो फॉर्क लिफ्ट और जो ये वीट है इसको अभी हम लोग इसको थोड़ा ऊपर पे हम लोग रख पाएंगे। इसका कैमरा एंगल तो मैंने चेंज कर दिया है। अभी हम लोग थोड़ा नीचे रखेंगे इसको। चलो इसको रख दिया, अब हम लोग थोड़ा पीछे आएंगे। अभी हम लोग जो ये फॉर्कलिफ्ट है इसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग का जो फार्म पे बहुत सारा जो एग्स भी है और जो वेजिटेबल्स भी है उसको भी रखना पड़ेगा लो लोडर्स पे। ओके अभी यार मैं उतरा क्यों, अभी हम लोग का काम बहुत है। ओके, तो गाइस अभी हम लोग ने जितना भी जो बैग ऑफ व्हीट परचेस किए थे वो भी चिकन के लिए, अभी हम लोग ने वो सभी व्हीट जो लो लोडर्स पे लोड कर लिया। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा बिठा लेते हैं, इसको थोड़ा बैक करना पड़ेगा अभी हम लोग को। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसके बाद अभी हम लोग इसको इधर ही लोड कर लेते हैं। ओके तो अभी हम लोग का जो लोड है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग को जो फॉर्क लिफ्ट है उसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो ये फॉर्कलिफ्ट के लिए जो हेल्पर है वो हायर करेंगे अभी। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं, अपने मैप ओपन करते हैं, उसका बाद अभी हम लोग का जो सेट डेस्टिनेशन करना है उसका बाद अभी हम लोग का जो ये घर वाला लोकेशन जो ये वाला एरिया पे अभी हम लोग इसको जो डेस्टिनेशन है वो चूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ने जो डेस्टिनेशन है वो सेट कर लिया, तो अभी हम लोग का जो हेल्पर है वो लेके जा रहा है फॉर्कलिफ्ट को। ओके तो अभी हम लोग उतर जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से जो इसको लेके, ओहो पहले मेरे को सबसे पहले इसका फोल्ड करना पड़ेगा लो लोडर्स को। ओके ये फोल्ड हो चुका है और इसका जो सीट बेल्ट है वो लगा देना पड़ेगा। हम लोग जो सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम लोग का जितना भी जो व्हीट है जो बैग ऑफ व्हीट है वो नहीं गिरेगा। ओके तो चलिए अभी हम लोग इसको फटाफट से लेके चलते हैं अपने फार्म की तरफ। तो भाई साहब अब इतना खाना तो हम लोग का मुर्गी के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ओके तो अभी हम लोग को तो मेरे को और जो अपना जो मुर्गी लोग का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, अब खाना नहीं है ये कुछ, तो अब हम लोग एक ही बार में जो सिलो पे पूरा फुल कर देंगे खाना। ओके तो अभी हम लोग अपना जो फार्म है वो आ चुके हैं, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और सीधा करेंगे, इसके बाद जितना भी जो व्हीट है इधर हम लोग फिल कर देंगे। ओके तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो ये व्हीट है जितना भी जो व्हीट है ये सब कुछ फिल हो रहा है फीडर पे। हेलो मेरा मुर्गी लोग, जितना खाना खाना है खा लो, लेकिन मेरे को अंडा है, मेरे को वो डेली चाहिए। ठीक है तुम लोग जितना प्रोड्यूस कर सकते हो और करो प्रोड्यूस, तुम लोग का खाना टाइम टाइम पे मिलते जाएगा। ओके तो अभी हम लोग के पास बहुत सारा एग्स है, इसको हम लोग सेल कर सकते हैं। ओके तो हम लोग को ये पूरा सेट का जो 1400 पीसेस जो एग्स है उसका जो वेट है 340 किलो का है ये। ओके 340 kg का है, तो हम लोग को क्या केजी का हिसाब से मिलेगा या क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को जो एग का जो प्राइस मिलेगा। ओके तो अभी हम लोग को पता नहीं है। ओके तो अभी हम लोग फटाफट से अपना जो ट्रैक्टर इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ओके इसको अभी हम लोग को रखना पड़ेगा ये वाले एरिया पे। ओके ओके तो इसको इधर रख देते हैं और इसका जो अनफोल्ड लो लोडर्स कर लेते हैं। अभी हम लोग फटाफट से अपना ट्रैक्टर से उतर जाते हैं, तो अभी हम लोग को बैठना पड़ेगा फॉर्कलिफ्ट पे। ओके तो फॉर्कलिफ्ट पे अभी हम लोग बैठ चुके हैं, तो अभी हम लोग को जितना भी जो वेजिटेबल्स और जो एग्स है उसको लो लोडर्स पे अभी हम लोग को लोड करना पड़ेगा। ओके पहले वेजिटेबल हम लोग लोड किया जाए। ओके चलो एक को तो उठा दिया मैंने, अब इसको लेके जाना पड़ेगा हम लोग को जिधर पे जो लो लोडर्स है। ओके अबे कौवा हट जा मेरे भाई, मर वर जाएगा तो मेरे को पुलिस केस हो जाएगा। ले भाई साहब गिर भी गया, लेकिन अच्छा हुआ उधर से निकला क्योंकि उधर से ना हम लोग को जो वेजिटेबल है वो उठाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अब हम लोग का जो काम है वो थोड़ा आसान हो गया अभी। ओके तो चले अभी हम लोग ने उठा लिया इसको, इसको सीधा कर लेते हैं ये नीचे ना गिरे बोल के। ओके तो अभी हम लोग का सबसे मेन टास्क है कि अभी हम लोग को जो फॉर्क लिफ्ट है उसको लो लोडर्स के ऊपर बिठाना पड़ेगा, उसका बाद ही हम लोग इसको लेके जा सकते हैं इसका ऊपर। ओके तो चलो अभी हम लोग ने ऊपर भी चला लिया, इसको थोड़ा और नीचे रखेंगे। तो अभी हम लोग को ये फॉर्क लिफ्ट को नीचे करना पड़ेगा।
चले। अभी हम लोग थोड़ा पीछे करते हैं अपना फॉर्कलिफ्ट को, तो इसको नीचे कर दिए। अभी हम लोग फटाफट से अभी हम लोग उतर जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो क्योंकि अभी हम लोग को वेजिटेबल रखना पड़ेगा, उसके बाद जो एक से ये सभी को रखना पड़ेगा लो लोटस पे। ओके, तो इसका इसका मतलब अभी हम लोग अपना जो काम है वो फटाफट से कम्प्लीट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ने बहुत सारा जो टोमेटोस है उसको लोड कर दिया है लो लोडर्स पे, लेकिन अभी हम लोग का इधर स्पेस नहीं हो रहा कि जितना भी जो एग्स है इसको अभी हम लोग रखेंगे तो सिर्फ इधर दो खाली हम लोग इधर फिट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग जो और एग्स है उसको हम लोग प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले अभी हम लोग जो टोमेटोस है उसको लेके जाएंगे हम लोग सेल करने के लिए, तो फिर से हम लोग आएंगे अपना फार्म पे और जितना भी जो एग्स है लो लोडर्स पे हम लोग लोड करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे एग्स सेल करने के लिए। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अभी हम लोग जो टोमेटोस है उसको हम लोग कहाँ पर सेल करने से हम लोग को थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो होगा बोल के। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं तो टोमेटोस पे क्लिक करते हैं, तो अभी आप लोग देख सकते हो फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे हम लोग को मिल रहा है $1,457। तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग को फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जो टोमेटो का जो प्राइस है वो हाई प्राइस शो कर रहा है। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले जो रेस्टोरेंट पे इधर क्लिक करते हैं और जो प्लेस को टैग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग को मिल चुका है लोकेशन। ओके, तो अभी हम लोग का जो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी आप लोग देख सकते हो जिधर पे ग्रीन मार्कर है उधर ही अभी हम लोग को जो टोमेटोस है उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फटाफट से लेके चलते हैं और जितना भी जो टोमेटोस है उसको फटाफट से सेल कर देते हैं। ओके, तो अभी हम लोग को इतना ज़्यादा अभी हम लोग ने जो टोमेटोस है उसको लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो अभी हम लोग इसका प्राइस है वो चेक करने वाले और हम लोग को कितना मिलता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको फटाफट से डिलीवर कर देते हैं और देखते हैं कि अभी हम लोग को कितना मिलेगा। तो मेरे को भी नहीं पता। ओके, थोड़ा और आगे लेके आते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का जो टोमेटो है वो सेल होना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग को उतना ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा। तो हम लोग का ठीक अपना जो फार्म के ऑपोजिट साइड वाले जो रेस्टोरेंट पे हम लोग जितना भी जो टोमेटोस है उसको सेल कर रहे हैं। ओके ओके, तो अभी हम लोग को तीन का मिल चुका है $2,917। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं और जितना भी जो टोमेटो इसको पूरी तरह से सेल कर देते हैं। ओके, तो अभी हम लोग को फिर से $4,378 मिल चुका है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा और आगे करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग को $729 मिला, कितना $7,500 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट है क्योंकि हम लोग ने तो एक ही बार जो ग्रीन हाउस है वो बिल्ड किए थे और उसके बाद हम लोग को जो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो होते रह रहा है, तो अभी ये हम लोग का जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ओके, तो अभी हम लोग को सबसे पहले भाई साहब यार देख रहे थे तो बहुत ही खतरनाक वाला जो रात है वो हो चुका है, लेकिन कोई नहीं। तो अभी हम लोग को जो एक से वो भी लोड करना पड़ेगा अपना जो ये खतरनाक वाला जो लो लोडर्स पे। ओके, तो चले अभी हम लोग जो ट्रैक्टर और जो लो लोडर्स है इसको अभी हम लोग इधर ही प्लेस कर देते हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से जो ट्रैक्टर से उतर जाते हैं, तो अपना जो फॉर्कलिफ्ट है उसको लेके चलते हैं जहाँ पर हम लोग का मुर्गी का फार्म है। ओके, तो भाई साहब सोना भी पड़ेगा यार, लेकिन अभी हम लोग देखते ना तो मुर्गी के पास खाना है कि नहीं है। खाना तो अभी मुर्गी का फार्म के अंदर बहुत सारा है, 5,400 लीटर्स है खाना। ओके, तो अभी हम लोग जो ये फॉर्कलिफ्ट है उसको लेके चलते हैं मुर्गी का जो फार्म है उसका बैक साइड पे चलते हैं, क्योंकि उधर बहुत सारा जो एग्स है वो पड़ा हुआ है, तो अभी हम लोग को जो फॉर्कलिफ्ट से उठाना पड़ेगा, लेकिन जो ये टास्क है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ओके, शायद मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, अभी कुछ दिखता नहीं है यार। थोड़ा और आगे लेके चलते हैं यार, थोड़ा टेढ़ा नहीं, इसको थोड़ा आगे लेके जाना ही पड़ेगा। चलो, तो अभी हम लोग ने जो एक है उसको उठा लिया है, तो अभी हम लोग को थोड़ा सावधानी से अपना जो काम है वो करना पड़ेगा। तो सपोज हम लोग का जो एक है वो गिर गया तो हम लोग को लॉस हो सकता है, बहुत ही बड़ा वाला जो झटका है वो मिल सकता है। ओके, तो अभी हम लोग को इसको लेके जाना पड़ेगा हम लोग का जहाँ पर जो लो लोडर्स है उधर लेके चलते हैं। चलो इसको इधर ही लोड कर लेते हैं और इसको आराम से निकाल लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का और एक जो काम है वो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग का सबसे पहले जो पिकअप हम लोग का व्हीकल है उस पर अभी हम लोग बैठ लेते हैं और इसका जो लाइट है वो जला लेते हैं। ओके,
तो अभी हम लोग ने इधर का जो लाइट है वो जला दिया, तो अभी हम लोग का जो पिकअप का क्या काम आने वाला तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ओके। तो उस टाइम से हम लोग जितना भी जो टोमेटोस है जो लोडर्स पे हम लोग रख रहे थे, उस टाइम हम लोग ने जो ये व्हीकल है वो यूज़ किया था, तो अभी हम लोग फिर से जो ये वाला व्हीकल है फिर से यूज़ करने वाले है, ओके। तो इसको अभी हम लोग और ऊपर चला लेते हैं, ओके। तो देखिए अभी आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग का जितना भी जो एक का जो ट्री है ये एकदम सीधा हो चुका है, ओके। तो अभी हम लोग उतर जाते हैं और हम लोग का जो पिकअप गाड़ी है इसको इधर ही रख देते हैं, ओके। तो पूरी तरह से अभी हम लोग का जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी हम लोग ने सिर्फ उसको मिला के रखे है, ओके। तो अभी हम लोग और चलते हैं और बहुत सारा जो जो एक का जो ट्री है वो लेके आते हैं, ओके। तो गाइस अभी हम लोग ने बहुत सारा जो एक का जो ट्री है उसको लोडर्स पे लोड कर लिया है, ओके। तो अभी हम लोग को सबसे पहले अभी हम लोग ट्रैक्टर में बैठ लेते हैं और इसका बाद जो इसका जो सीट बेल्ट है वो लगवा देते हैं, ओके, क्योंकि हम लोग का अंडा है वो ना गिरे बोल के। तो चले सीट बेल्ट भी अभी हम लोग ने लगा दिया, तो अभी हम लोग का जो अंडा है वो गिरेगा नहीं, ओके। तो अभी हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा जो अपना मैप है उसको ओपन करते हैं, तो अभी हम लोग का जो एक से हम लोग वो किधर पे जाके अभी हम लोग को सबसे बढ़िया वाला जो प्राइस है कहाँ पर मिलेगा बोल के, ओके। तो एक तो शायद ऊपर हो सकता है, ओके। तो एक का अभी हम लोग को मिल चुका है, तो अभी आप लोग देख सकते हो जो जॉनसन फार्मर मार्केट पे अभी हम लोग को मिल रहा है $5,048, ओके। तो अभी हम लोग फटाफट से जो जो जॉनसन फार्मर मार्केट पे अभी हम लोग जो प्लेस है उसको टैग कर लेते हैं और फटाफट से चलते हैं उधर और सेल कर देते हैं, ओके। तो ये तो इधर होने वाला होगा शायद, यस। तो अभी हम लोग फटाफट से जो ट्रैक्टर पे जितना भी जो एक से उसको अभी हम लोग डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, ओके। तो वो भी जॉनसन फार्मर मार्केट में हम लोग को बहुत ही बढ़िया प्राइस मिल रहा है, ओके। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं, ओके। तो अभी हम लोग फाइनली जो जॉनसन फार्मर मार्केट है वो आ चुके हैं, तो अभी हम लोग पास जितना भी जो एग्स है उसको सेल कर देते हैं, ओके। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अभी हम लोग के पास इतना ज़्यादा जो एग्स है उसको सेल करने के बाद हम लोग को कितना डॉलर का जो प्रॉफिट होता है, ओके। तो इसको तो इधर नहीं सेल कर पाएंगे शायद, ओके। तो मेरे को लग रहा कि हम लोग को वो उसको वो दूसरा साइड वाले एरिया पर हम लोग को सेल करना पड़ेगा, तो ये वाले एरिया पर, ओके ओके। तो अभी हम लोग का जो एग्स है वो सेल होना स्टार्ट हो चुका है, ओ भाई साहब कितना तेजी से सेल हो रहा है यार, ओके। तो गाइस अभी हम लोग को जो एक से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ वो भी $34,853 का प्रॉफिट हुआ, ओके। तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग को जो एक से इतना बढ़िया प्रॉफिट होगा बोल के। तो अभी हम लोग का सबसे बेस्ट क्या हुआ बोले तो जो जॉनसन फार्मा मार्केट पे हम लोग को जो एक्स का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला मिला, और ओके गाइस और आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड।